अगर आप सोचते हैं, इफ यू थिंक, आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज की तारीख है 22 जून 2018। शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज। और यहां पर जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो सकती है, लेकिन खबरें तो खबरें हैं और मेरा काम है सुबह सुबह आपको खबरों को पहुँचा देना। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 दोनों पालियों में एक ही प्रश्न पत्र बटा, सिर्फ सवालों के क्रम बदले। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 18 और 19 जून को हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दोनों पालियों में कथित तौर पर एक जैसे प्रश्न पत्र बांटे गए। अंतर सिर्फ इतना था कि 150 सवालों के क्रम बदले हुए थे। ऐसा ही दो मामला कथित तौर पर एटा और अलीगढ़ जिलों में भी सामने आया है। पेपर रिपीट होने से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बैठने वाले लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एटा स्थित एसके कॉलेज और अलीगढ़ स्थित नौरंगी राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्रों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। हालांकि आगरा रेंज के नोडल प्रभारी SP प्रोटोकॉल तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है ही नहीं, यानी कि अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है कि परीक्षाओं में से प्रश्न पत्रों की ये विसंगतियां सामने आई हैं। अब आगे क्या होना है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आप भी लगातार अपडेट रह सकें। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगली खबर पे। और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है इसके बारे में मैं कल भी आपसे चर्चा कर चुका था कि समाज कार्य पेपर का पेपर जो था, जिसकी परीक्षा होनी थी UPPCS 2017 की मुख्य परीक्षा में, 21 जून को पेपर था और 20 जून को रात्रि में एक पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। और ये कहा गया कि ये वही मुख्य पेपर है जिसकी परीक्षा कल होनी है। बाद में यह सिर्फ एक अफवाह निकली, समाज कार्य का पेपर आउट होने की थी अफवाह। बृहस्पतिवार को PCS मुख्य परीक्षा के तहत समाज कार्य विषय का पेपर था। बुधवार रात 7:30 से 8 बजे के बीच किसी ने फेसबुक पर समाज कार्य विषय का फर्जी पेपर पोस्ट कर दिया था। कुछ ही देर में यह पोस्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। व्हाट्सएप पर प्रतियोगियों के तकरीबन सभी ग्रुपों में फर्जी पेपर भेज दिया गया। इससे हड़कंप मच गया और प्रतियोगियों के बीच भ्रम की स्थिति हो गई थी। वायरल पेपर पर सवाल थे और उनके आगे लिखा था कि किस सवाल के पेपर में आने की कितनी प्रतिशत संभावना है। लिखा है कि यह रविंद्र सर के निर्देशन में तैयार किया गया था। हालांकि इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन तत्काल ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया था। परीक्षा अपने नियत समय पर हुई और ये पेपर जो आउट हुआ था, ये कहकर कि ये वही पेपर है, वो पेपर नहीं था, उसमें से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। फर्जी पेपर वायरल होने पर केस भी दर्ज हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि PCS 2017 की मुख्य परीक्षा में समाज कार्य कार्य का फर्जी पेपर एक दिन पहले व्हाट्सएप पर वायरल होने के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। आयोग के अनुसचिव सतीश चंद्र मिश्र की तहरीर पर सिविल लाइन्स पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है। इस मामले की जांच पुलिस की साइबर सेल करेगी। हालांकि रात में ही सचिव जगदीश के मामले की सूचना पुलिस को देने के साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि पेपर फर्जी है और बृहस्पतिवार की परीक्षा में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी ने यह शरारत की है। बृहस्पतिवार की आयोग के अनुसचिव सतीश चंद्र मिश्र के मामले में FIR दर्ज कराने के लिए सिविल लाइन थाने पर तहरीर दी गई। तहरीर में लिखा है कि किसी ने परीक्षा में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से समाज कार्य विषय का फर्जी पेपर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया है। और फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, 3 दिन में 3 घटनाएं साजिश का संकेत दे रही हैं। आयोग में ही किसी का हाथ होने की आशंका, CBI जांच को प्रभावित करने की कोशिश,
संदेह के घेरे में कोचिंग चलाने वाला अफसर, और अगर जो पेपर वायरल हुआ था अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई सवाल नहीं आया था। बुधवार रात समाचार विषय का जो फर्जी पेपर व्हाट्सएप पर वायरल किया गया था उसमें से कोई सवाल बृहस्पतिवार को हुए पेपर में नहीं आया। इससे साबित हो गया कि फर्जी पेपर वायरल कर परीक्षा में बाधा पहुंचाने की साजिश की गई थी। दरअसल फर्जी पेपर में सवाल इस तरीके से पूछे गए थे कि पूरे सिलेबस को कवर कर रहे थे। ऐसे में सीधे तौर पर न सही लेकिन घूम फिर कर फर्जी पेपर में ही शामिल तथ्यों से जुड़े कोई न कोई सवाल आने ही थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग केंद्र में झूसी से परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी ने बताया कि फर्जी पेपर वायरल होने से रात भर उसे नींद नहीं आई। हालांकि राहत यह है कि यह अफवाह साबित हुई, वरना महीनों की रक्षा उसकी जो है मेहनत पर पानी फिर जाता। आज रक्षा अध्ययन का पेपर होना है, डिफेंस का। पीछे 2017 की मुख्य परीक्षा के तहत शुक्रवार यानी कि आज 22 जून को रक्षा अध्ययन का पेपर होना है। पहली पाली शुरू होगी सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, और प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी है। अफवाह फैलाने के लिए मॉडल पेपर का गलत इस्तेमाल, गलत पेपर बंटने से हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य खिलवाड़, दो कर्मचारियों पर गाज गिरना तय। कौन कौन से लोग हैं? GIC केंद्र में गलत पेपर बांटे जाने के मामले में आयोग के दो कर्मचारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। आयोग के अनुसचिव सतीश चंद्र मिश्र की ओर से जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है उनमें पर्यवेक्षक और सहायक पर्यवेक्षक शामिल हैं और दोनों ही आयोग के कर्मचारी भी हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। आयोग के सचिव जगदीश और उप सचिव मोइनुद्दीन की कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सचिव का कहना है जल्द ही जांच पूरी होगी और कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर एक अगली खबर भी है और इसके बारे में भी आइए बात करते हैं। एक अभ्यर्थी ने किया परीक्षा का बहिष्कार, हालांकि पहले से सिलेक्टेड था और PCS मुख्य परीक्षा के तहत बृहस्पतिवार को समाचार के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा का एक अभ्यर्थी ने बहिष्कार कर दिया। परीक्षा का बहिष्कार करने के बाद अभ्यर्थी अन्य परीक्षार्थियों से भी बहिष्कार की अपील करने लगा। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और द्वितीय पाली की परीक्षा समाप्त होने तक उसे बैठाए रखा, तत्पश्चात छोड़ दिया। अभ्यर्थी वाराणसी का रहने वाला था, नाम है जंग बहादुर शुक्ला। बरहना में महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज में सेंटर था उसका। जंग बहादुर सुबह सेंटर में पहुंचे लेकिन परीक्षा नहीं दी। जंग बहादुर ने बताया कि उसका चयन IB में हो चुका है और ये आयोग की कार्यप्रणाली से जो है काफ़ी खफा थे, इसी वजह से इन्होंने परीक्षा का बहिष्कार किया और उसके बाद लोगों से अपील भी की कि आप लोग परीक्षा का बहिष्कार कर दें, लेकिन बहिष्कार नहीं हुआ और अंततः पूरी परीक्षा संपन्न हुई। जरा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और शाम को छोड़ भी दिया गया। एक नया मामला सामने आया है नीट परीक्षा से संबंधित। नीट में 30 मिनट के नुकसान की CBSE करेगा भरपाई। प्रतियोगी परीक्षाओं में हर एक मिनट महत्वपूर्ण, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हर एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को नीट परीक्षा 2018 में निरीक्षक की गलती के कारण करीब 30 मिनट का नुकसान सहने वाले छात्रों की आनुपातिक अंक देकर भरपाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति S. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अवकाशकालीन पीठ ने 30 मिनट का नुकसान सहने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त आनुपातिक अंक देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली CBSE की याचिका को खारिज कर दिया। मालूम है कि CBSE देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन कराती है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान CBSE की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मानिंदर सिंह ने कहा कि हम छात्रों की पीड़ा को समझते हैं क्योंकि वे करियर के अहम मोड़ पर हैं और उन्हें परीक्षा के लिए निर्धारित पूरा वक्त मिलना ही चाहिए, लेकिन जांच में पाया गया कि इस मसले पर छात्रों की राय अलग अलग है। कुछ छात्रों का कहना है कि उन्हें 20 मिनट का नुकसान हुआ है। इस पर पीठ ने कहा कि इन छात्रों की उम्र कहीं कितनी होगी, अभी तो इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। प्रतियोगी परीक्षाओं में 20 मिनट भी अहम होता है। इस पर मनिंदर सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए 10 दिन का समय देने की गुहार लगाई, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया। गत 15 जून को वैष्णवी संदीप मड़ियार की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर के आदर्श संस्कृति विश्वविद्यालय में परीक्षा देने वाले 24 छात्रों को अतिरिक्त आनुपातिक अंक देने का आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी नीट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती घोटाला में पूर्व BSC संजीव कुमार सिंह, 4 खंड शिक्षा अधिकारियों और एक डिस्पैच बाबू के बाद गुरुवार को जिले के 20 प्रधानाध्यापकों को भी निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए 20 प्रधानाध्यापक वे हैं जिन्होंने विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की ज्वाइनिंग करवाई थी।
यह कार्रवाई बीएसए चंद्रशेखर ने की है, अगले एक दो दिन में यह संख्या 100 तक भी पहुंच सकती है। ओके, जूनियर इंजीनियर एसएससी का कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कराएगी जेई, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट परीक्षा 2017 द्वितीय पेपर के अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी होने वाली है। आयोग इस परीक्षा का परिणाम आज जारी करने जा रहा है। आयोग ने जूनियर इंजीनियर 2017 द्वितीय पेपर को 22 जनवरी से 29 जनवरी 2018 के बीच विभिन्न केंद्रों पर करवाया था। और आपको बता दें कि इसमें देश भर से 5,69,930 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इसमें आयोग ने सिविल इंजीनियरिंग के 2,25,723, इलेक्ट्रिकल में 1,49,758 और मैकेनिकल में 1,94,449 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इनमें अलग अलग वर्ग के अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक भी पूर्व में जारी हो चुके हैं। आयोग ने कहा है कि इस परीक्षा का परिणाम 22 जून को जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीजीएल टीयर 2 की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 2 2017 की अंतिम उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस उत्तर कुंजी को अभ्यर्थी 20 जुलाई तक देख सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और आयोग ने जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तर कुंजी के साथ प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे प्रश्न और उत्तर के मिलान में किसी को परेशानी ना होने पाए। आयोग ने इस परीक्षा का परिणाम 6 जून को घोषित किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ खबरें हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि 22 जून से CTET की परीक्षा होनी थी, लेकिन फिलहाल ये डेट जो है पोस्टपोन कर दी गई है, और इसके बारे में आपको जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। अब अगली डेट कब होगी इसके बारे में अभी तक कोई नई सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा जो है वो 16 सितंबर को आयोजित होगी, इसके बारे में ये डेट फिक्स है। ठीक है, परीक्षा में गड़बड़ी पर CBSE की नज़र, PCS में परीक्षा बहिष्कार करने वाला गिरफ्तार, इलाहाबाद लखनऊ के केंद्रों को भी भेजी है सूचना। और यहाँ पर देखिए, आयोग ने इलाहाबाद और लखनऊ के सभी केंद्रों को एक सूचना भेजी, जिसमें कहा गया कि प्रश्न पत्र निरस्त होने की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, इससे परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक सतर्क रहें, अभ्यर्थियों को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, इसलिए बचने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी PCS की हो चुकी परीक्षाओं में कई विवाद उत्पन्न हुए थे, पेपर लीक हुआ और यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन आयोग मौन साधे रहा। सचिव जगदीश ने कहा है कि परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए भरपूर प्रयास जारी है, सभी केंद्रों को सूचना भेजी गई है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पर कुछ और भी खबर है उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, सपा शासन काल में सेवा मंडल के अंतर्गत हुई सहकारिता में हुई भर्तियों की SIT जांच शुरू हो गई है। एक प्रमुख आरोपी अभी तक पद पर होने से उठ रहे हैं सवाल, शासन ने दी स्पष्ट हिदायत। 2012 से लेकर 2017 तक जितनी परीक्षाएं हुई थी सेवा मंडल के अंतर्गत, सभी की जांच होगी। सपा शासन काल में सहकारिता विभाग के अधीनस्थ संस्था में हुई सभी नियुक्तियों की विशेष अनुसंधान दल SIT ने विधिवत जाँच शुरू कर दी है। शासन से स्पष्ट गाइडलाइन मिलने के बाद SIT की टीम ने 2012 से 2017 के बीच हुई नियुक्तियों के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। जांच शुरू करने के लिए शासन ने SIT के महानिदेशक को 27 अप्रैल को पत्र जारी किया था, लेकिन स्पष्ट गाइडलाइन न मिलने से यह जांच अटकी थी। अब स्पष्ट हिदायत है कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक सहकारिता विभाग में सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के जरिए जो भी भर्तियाँ हुई हैं उनकी जाँच की जाए। शासन निर्देश के बाद SIT की टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि सपा सरकार के दौरान सहकारी सेवा मंडल के जरिए अलग अलग पदों पर 1500 से अधिक भर्तियों में धांधली की शिकायत की गई। इनमें से कोऑपरेटिव बैंक की सहायक प्रबंधकों के पद पर की गई वह 53 नियुक्तियाँ भी थीं, जिनमें एक ही विधानसभा के 33 लोग नियुक्त कर दिए गए थे। इस घोटाले में सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के 2 तत्कालीन चेयरमैन भी जांच के घेरे में हैं, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश को कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात RK सिंह पर भी गंभीर आरोप है। यह आरोप है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद शैक्षिक योग्यता कम की गई और सहायक प्रबंधक पर के पद पर बाबू से भी कम योग्यता पर आवेदन मांगे गए। इसमें कई तरह के घालमेल की शिकायत है। मौजूदा समय में भी बैंक के MD पद पर RK सिंह बने हुए हैं। उन्हें हटाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना समेत भाजपा के कई नेताओं ने भी पत्र लिखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन पर सर्वाधिक आरोप हैं, अगर वह पद पर बना रहा तो जांच प्रभावित होगी, इसलिए उसे पद पर हटाने की मांग जोर पकड़ रही है।
सहकार भारती ने भी इसमें शिकायत की है। एनीवे देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अब रोजगार से जुड़ी हुई कुछ ज़्यादा चुनिंदा खबरें हैं जो कि आपके करियर से जुड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पे कि हरियाणा में इस समय एक वैकेंसी आई हुई है पुलिस भर्ती से संबंधित। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद पर 7110 वैकेंसी हैं। 2 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के राज्य के पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 7110 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक उम्मीदवार 2 जुलाई तक आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जबकि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। पहले अंतिम तिथि 28 मई थी। आपको बता दें कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के कुल पदों की संख्या है 6147, जिसमें पुरुषों के लिए पद हैं 5000, अनारक्षित है उसमें 2300, महिलाओं के लिए कुल पदों की संख्या है 1147, जनरल के लिए 528। और कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पुलिस के लिए कुल पद कितने हैं 500, अनारक्षित उसमें 230। ये नियुक्तियां हरियाणा राज्य की रिजर्व बटालियन के लिए होंगी। योग्यता क्या है, 12वीं पास, 10वीं में हिंदी या संस्कृत का अध्ययन आपने किया हो तभी आप आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान है 21,700 से 69,100 रुपये। आयु सीमा है 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष। सब इंस्पेक्टर पदों की संख्या है 465। और इसके बाद रिक्तियों को आप देख सकते हैं, पुरुष के लिए 400 पद हैं, अनारक्षित है 184, महिलाओं के 63 पद, अनारक्षित है 29। योग्यता क्या है, किसी भी विषय से ग्रेजुएट और 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत का अध्ययन हो। वेतनमान होगा 35,400 से 1,12,400 रुपये। न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 27 साल तक के लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। न्यूनतम शारीरिक मानदंड और ये भी चीज़ें आप जान सकते हो। जो सिलेक्शन होगा क्या होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, नॉलेज टेस्ट होगा, KT स्क्रूटनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा। टेस्ट के आधार पर योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अनारक्षित और अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए कांस्टेबल की फीस रखी गई है मात्र 100 रुपये। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं SI के लिए तो आपको देनी होगी फीस कितनी, मात्र 150 रुपये। 2 जुलाई अंतिम तारीख है, आप 2 जुलाई से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो और इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके लिए वेबसाइट है hssc.gov.in। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो आप आवेदन अवश्य कीजिएगा अगर आप पुलिस सेवा में जाने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता दें कि UGC नेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और आप उसे cbsenet.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए देखिए cbsenet.nic.in पर आपको जाना होगा, लॉगिन फॉर एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालिए और अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और अब चलते चलते ये एक अंतिम खबर, लेकिन ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। साउथ सेंट्रल रेलवे में 10वीं पास के लिए 4000 से ज़्यादा है वैकेंसी, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए जो योग्यता है उसके बारे में बात करें तो 10वीं पास लेकिन संबंधित ट्रेड में कम से कम 50% अंकों के साथ ITI, अधिकतम आयु सीमा कितनी है 24 वर्ष, SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवार को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट भी शामिल है। लिंक है www.scr.indianrailways.gov.in। तो फ्रेंड्स रहिए ना बेखबर, हमारे साथ बने रहिए आप। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन दिखेगा, उसको आप दबा दीजिएगा। आगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज आप तक समय से पहुँच सके और हर वीडियोज आपको कंटिन्यूसली मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए नाइस डे।